दिल्ली पूरे भारत का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा और मशहूर शहर। ये तकरीबन 1483 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला है। ये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो ट्रेन सिस्टम भी है, जिसकी लंबाई 390 किलोमीटर है। दिल्ली की कुल आबादी 3 करोड़ है, जिसमें से 80% हिंदू, 12% मुस्लिम और 4.4% सिख रहते हैं। और यहाँ छोटे बड़े मजाहब के तमाम लोग रहते हैं। दिल्ली का करंट लिटरेसी रेट 86.32% है। मुंबई के बाद दिल्ली को इंडिया का फाइनेंशियल हब समझा जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली की जीडीपी की। दिल्ली की कुल जीडीपी 270 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि भारत की कुल जीडीपी का 4.4% बनता है। दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है। दिल्ली से अगर कोई दिलवाला देख रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार। दिल्ली की तारीख। इस शहर पर पृथ्वीराज चौहान से लेकर मुगलों ने और मुगलों से लेकर अंग्रेजों ने हुकूमत की। इस शहर का कुतुब मीनार और मस्जिद कुव्वत इस्लाम इस्लामी फन तामीर का मुंह बोलता सबूत है। मुंबई आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा शहर और ये इंडिया का सबसे अमीर शहर भी है। ये भी कराची की तरह साहिल समंदर पर वाकया है, जो कि 603 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स या फिर माया नगरी के नाम से जाना जाता है। मुंबई शहर की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है और ये भारत का इकोनॉमिक कैपिटल है। मुंबई दुनिया के टॉप 10 कारोबारी शहरों में शामिल है। इस शहर की जीडीपी पूरे भारत की जीडीपी का 6.11% बनता है। भारत की 70% ट्रेड इसी शहर से की जाती है। इस शहर में करोड़पति लोग बहुत ज्यादा हैं। ये दुनिया का 8वां ऐसा शहर है जहां करोड़पति लोगों की तादाद ज्यादा है। मुंबई की करंट लिटरेसी रेट 79.73% है। इस शहर में 65.99% हिंदू और 20% मुस्लिम, बाकी ईसाई और सिख भी रहते हैं। मुंबई की तारीख। 13वीं सदी में राजा भीमदेव ने शहर को बसाया था। बाद में यह शहर ब्रिटिश के अंडर हो गया। मुंबई की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले यह शहर 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था, फिर 1826 में इन सारे आइलैंड्स को मिलाकर इस नए मुंबई शहर को बनाया गया। पहले शहर का नाम बम्बई था, बाद में बम्बई से मुंबई कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इंडिया के बारे में और कुछ जानना चाहती हैं तो सामने स्क्रीन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।